हेलो नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः रिसर्च की कक्षा अर्थात अनुसंधान में पुनः उपस्थित हूं, जिसमें कि आज रिसर्च के कुछ टूल अर्थात शोध के उपकरण के बारे में जानकारी साझा करना चाह रहा हूं, जिसमें कि एक टूल जिसको कि क्वेश्चनायर के नाम से जानते हैं, जिसको प्रश्नावली कहते हैं, उसको लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ। तो वस्तुतः देखेंगे कि क्वेश्चनायर या प्रश्नावली क्या होते हैं। तो जब भी कोई भी शोधकर्ता किसी भी तथ्यों को किसी न्यायाधीश के सामने रखता है और उसका उत्तर लेना चाहता है, समझना चाहता है, तो हम उसी को क्वेश्चनायर के रूप में या प्रश्नावली के रूप में इंगित करते हैं। अर्थात जब भी एक शोधकर्ता किसी तथ्यों की अर्थात समस्या जो शोध उसकी समस्या है उसका उससे संबंधित जब प्रश्नों को एक क्रमबद्ध तरीके से पुटअप करता है और क्रमबद्ध तरीके से पुटअप कर करके उसको एक न्यायाधीश के सामने में रखता है और न्यायाधीश को क्या करना होता है, तो उनको उसके अपने अनुभव के आधार पर उस प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो वस्तुतः आप देखेंगे कि क्वेश्चनायर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चनायर क्या कैसे बनता है, क्या होता है। मान लीजिए कि ये हम A4 साइज़ बना लिए, मान लीजिए A4 साइज़ है। A4 साइज़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जब भी क्वेश्चनायर का निर्माण करते हैं तो क्वेश्चनायर में हम अपनी समस्या को रखते हैं सबसे ऊपर। तो क्वेश्चनायर में हम जैसे किसी यूनिवर्सिटी से होते हैं तो यूनिवर्सिटी का नाम होता है, कॉलेज होता है, जो भी होता है हमारा नाम होता है, हमारे गाइड का नाम होता है, सारी चीज़ों से संबंधित हमारी जानकारी भी होती है उसमें। फिर उसके बाद हम जहाँ पर करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी विद्यालय में करना चाह रहे हैं तो विद्यालय का नाम, छात्रों का नाम, छात्र के उम्र, छात्र का वर्ग, छात्र का आयु मतलब एवरेज जो होता है वो, फिर अवधि, ये सब सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। जैसे मान लीजिए विद्यालय, विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय का नाम हो जाएगा, फिर छात्र का नाम हो जाएगा, छात्र का नाम हो जाएगा, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। तो ये तो आप देखेंगे तो यहाँ आपका हो गया कि संपूर्ण विवरण, एक तो आपका खुद का एक अनुसंधानकर्ता का विवरण हो जाता है, वो आपका यूनिवर्सिटी से लेकर, कॉलेज से लेकर, गाइड से लेकर आपका सब कुछ होता है। फिर आपका जो आपकी जो समस्याएँ होती हैं उस वो आपका इंगित रहता है। और फिर इसके बाद जहाँ आप करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि किसी विद्यालय में करना चाहते हैं तो विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, ये सब सारी चीज़ें उसमें, माता का व्यवसाय क्या होता है, पिता का व्यवसाय क्या है, ये सब सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो जब भी हमारी समस्या जो भी है तो समस्या से संबंधित क्वेश्चन ही हम क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो समस्या से संबंधित क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कि हाँ और ना में जवाब होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हम दे सकते हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि पूर्ण सहमत, सहमत, असहमत या पूर्ण असहमत, इस प्रकार से इस प्रकार का भी क्वेश्चन हम दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हम ऐसे दे सकते हैं जिसको कि फिल इन द ब्लैंक जो होता है, आपका रिक्त स्थान की पूर्ति जो होती है, उस प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि जो बहुत शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं, जो कि मतलब कुछ शब्दों में उसको लिखना होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे मल्टीपल, जैसे कि मान लीजिए कि 3-4 हम विकल्प उसके देते हैं और उसमें से उसको एक टिक लगाना होता है, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम देते हैं और क्वेश्चन उसको लंबा उसको लिखना है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार उसके होते हैं। लेकिन जो भी हमारा प्रश्न है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, विषय से रिलेटेड होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप कभी भी व्यक्तिगत क्वेश्चन नहीं करेंगे कभी भी। अगर मान लीजिए कि आप, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो आप मान लीजिए कि प्रश्न क्या होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए सरल हो जाए, प्रश्न का सरल होना बेहद आवश्यक है। फिर क्रमबद्ध होना चाहिए, फिर वैयक्तिक
वैयक्तिक नहीं होना चाहिए, वैयक्तिक क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फिर प्रश्नों का जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल सही प्रकार का होना चाहिए। फिर हम किस प्रकार के जो हमारे किस प्रकार का, फिर आपका जो क्वेश्चन होता है वो आपका कभी भी क्या होना चाहिए, द्विअर्थी ना हो। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जिसके कि दो दो अर्थ होते हैं, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन हमारा नहीं होना चाहिए जो कि दो अर्थों में बटा हुआ हो, एक अर्थ कुछ और होता है, दूसरा अर्थ कुछ और होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। फिर हमारा वर्तमान कालिक होना चाहिए, है कि नहीं, वर्तमान वर्तमान कालिक, वर्तमान कालिक होना चाहिए। तो इस प्रकार के, तो मान लीजिए कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, इस प्रकार से तमाम चीज़ों का हमें उसमें ख्याल रखना होता है, जो कि हम जब प्रश्नावली का निर्माण करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में अवश्य रखना होता है। फिर अगर हम देखते हैं कि प्रश्नावली जो हमारा क्वेश्चनायर है, क्वेश्चनायर का मुख्य रूप से, हालांकि प्रकार तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो हमारे प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुली प्रश्नावली, और दूसरा होता है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली, ठीक है। तो एक खुली प्रश्नावली, एक बंद प्रश्नावली, जिसको कि हम ओपन कह सकते हैं, ओपन क्वेश्चनायर कह सकते हैं, और फिर इसको हम क्लोज्ड क्वेश्चनायर कह सकते हैं। तो इसको हम क्लोज्ड या फिक्स्ड भी कहते हैं, इसको हम फिक्स्ड या क्लोज्ड क्वेश्चनायर कहते हैं। तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, लेकिन और भी प्रकार, कुछ गौण प्रकार वगैरह भी होते हैं, एकांश वगैरह वगैरह होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा क्वेश्चनायर है वो, उसके दो प्रकार होते हैं, एक खुली प्रश्नावली, एक बंद प्रश्नावली। अब खुली प्रश्नावली क्या है, बंद प्रश्नावली क्या है, ओपन क्वेश्चनायर क्या है, और फिक्स्ड या क्लोज्ड क्वेश्चनायर क्या है, इसको जब हम देखते हैं तो इसमें जब खुली प्रश्नावली ऐसी होती है जो कि हम प्रश्नों का जो समावेश करते हैं या प्रश्न जब देते हैं, तो प्रश्न हमारे ऐसे होने चाहिए जो कि उसका उत्तर उसको क्या करना पड़े, तो लिखना पड़े। जो जिस निष्कर्ष को हम दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चनायर जिसको हम दे रहे हैं, जिससे हमें उत्तर चाहिए, उससे हमें क्या होता है, अपेक्षा क्या होती है, तो वो लिख करके अपना क्वेश्चन हमें दे। तो ये उसके आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर, उसने क्या लिखा है, वो अपने अनुभव के आधार पर सारा कुछ वो आपका लिख करके देता है। फिर इसमें एक फिक्स्ड क्वेश्चनायर जो होता है, या क्लोज्ड क्वेश्चनायर जो होता है, बंद प्रश्नावली जो होती है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बहुवैकल्पिक आपका क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुवैकल्पिक क्वेश्चन इसमें हो सकता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकता है जिसको कि हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसका कि मान लीजिए कि सहमत, असहमत, पूर्ण सहमत, कम सहमत, असहमत, इस प्रकार के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिसको कि फिल इन द ब्लैंक, वो भी आपका इसी में आता है, बंद प्रश्नावली में। आप कहेंगे कि सर जी ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक होता है वो तो लिखना होता है, तो फिल इन द ब्लैंक ऐसा भी हम दो, उसमें भी हम दो प्रकार के करते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जो कि एक ऐसा फिल इन द ब्लैंक होते हैं जिसको कि उसमें कुछ उत्तर भी कोष्ठक में ब्रैकेट में उसमें हम लिख देते हैं, दो तीन चार होते हैं, और उसमें से एक उसको टिक लगाना होता है। दूसरा जो हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है उसमें हमें उसमें लिखना नहीं होता है, वो जवाब भी कौन देगा, तो हमारा न्यादर्श ही देगा हमारा जवाब। तो इस प्रकार के, लेकिन ये भी बंद प्रश्नावली में ही आते हैं, तो इसको आप ये नहीं समझिएगा कि ये उस प्रकार का है कि नहीं, बंद प्रश्नावली में नहीं है। अब हम देखेंगे कि विश्वसनीयता किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो विश्वसनीयता हमेशा खुली प्रश्नावली की अपेक्षा बंद प्रश्नावली की जो विश्वसनीयता होती है वो अत्यंत ज़्यादा होती है, अत्यंत ज़्यादा। तो हमेशा हम खुली प्रश्नावली से ज़्यादा हमेशा बंद प्रश्नावली पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, और ज़्यादा विश्वस्त रूप से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली ये अच्छी होती है।
तो इस प्रकार से हम अगर देखें हैं तो प्रश्नावली के बारे में हम आज जाने हैं। इस प्रकार से हम बहुत सारे अलग अलग उपकरणों के बारे में भी मैं बताऊंगा, और आप सभी एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार।